हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख ही रहोगे मेरे पीछे खड़ी है स्कॉर्पियन एन। तो आज इसका एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा किलोमीटर इसके कंप्लीट नहीं हुए, 5000 किलोमीटर ही कंप्लीट हुए, बट हम जानेंगे ओनर की नज़र से कि वो उन्होंने ये गाड़ी क्यों चूज़ की, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेटा चला रहे थे, देन उसके बाद उन्होंने इसको अपग्रेड किया है। तो हम बुलाना चाहेंगे कुणाल भाई को अपने। तो कैसे हैं भाई? बढ़िया ना। चलिए अब इनसे हम जानते हैं कि एक ओनर की नज़र से ये स्कॉर्पियो एन आपके लिए क्यों बेहतर होने वाली है अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो कुणाल, सबसे पहले आप बताइए कि भाई गाड़ी लेके एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? भाई माफिया वाली फीलिंग आती है। माफिया वाली फीलिंग आती है, हाँ बड़ी तो है ऑलरेडी। मैं देख रहा हूँ पुराने वाले स्कॉर्पियन एस से तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, एंड मैंने भी देखा है इसका रोड प्रेजेंस एक अलग ही फील देता है। यार देखिए, आप जैसे किसी वन वे में आप हो और सामने से कोई और गाड़ी आ रही है और आप एन में हो, तो अपने आप बंदा हट जाता है, तो एक प्रेजेंस रहती है। तो अच्छा, आपके हिसाब से कुछ खास बात बताइए इस गाड़ी में जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया इसने क्रेटा के मुकाबले और आपने इसको लेने का प्लान बना लिया। हाँ जी, जैसे कि कुंदन ने बताया कि मेरी प्रीवियस चॉइस, मतलब मेरी प्रीवियस कार क्रेटा थी, तो जब मेरी वो चॉइस रही है और फिर इस गाड़ी पे आने का जो सबसे बड़ा मेजर रीज़न है आपका, ओबियसली इस प्रॉपर SUV, इससे पहले हमें कॉम्पैक्ट SUV ओन कर रहे थे, कॉम्पैक्ट, हाँ। बट एक ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊंगा, मैं कभी स्कॉर्पियो फैन नहीं था। अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ इस प्रेजेंस एंड ऑल थिंग। ठीक है, आप एक सोफिस्टिकेटेड कार ड्राइव करते हो, ठीक है, आप वैसे हो, बट मेरे ब्रदर इन लॉ के कहने पे मैंने ये गाड़ी ली थी, उन्होंने ये गाड़ी ली थी, तो मैंने उनको देख करके ये गाड़ी ले ली कि चलो अपग्रेड करते हैं, ये गाड़ी ले ली। बट जिस दिन से मैं चला रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं ली पहले ये बात है, क्योंकि गाड़ी बहुत स्मूथ है। मैं ऑटोमेटिक मतलब वेरिएंट चला रहा हूँ, तो लैग नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी में, कोई भी लैग बिल्कुल नहीं, भी लैग नहीं। जैसे हाँ, होता है आजकल मारुति में हम देख सकते हैं कि लैग प्रॉब्लम्स दिखती हैं, जब आप एकदम से प्रेस करो तो लैग होने लगती है, एक झटके लगता है, झटके लगते हैं। इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, गाड़ी बहुत स्मूथ है। इसका स्पोर्ट्स मोड जो है अपना जिप जैप ज़ूम, गाड़ी लगता है बिल्कुल मैड पावर जो आपको चाहिए वो गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है, कॉन्फिडेंस देती है हाई स्पीड पर, सबसे बड़ी बात है। आज जैसे कंदन आप जान रहे हो कि हमारा किसान पथ बन गया हुआ है। हाँ भाई, बढ़िया एकदम, ये सामने किसान पथ है हमारे, वो भी आपको दिखाएंगे वहाँ चला करके। तो किसान पथ है कि मैं लास्ट वीक गया था, एंड वहाँ पे ये था कि गाड़ी 130, 140, 150 आराम से जा रही है बिना किसी मतलब दिक्कत के, ठीक है, कॉर्नर्स पे भी गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। आप अगर, और इनफैक्ट जो हाईवेज पे चलेंगे सबसे लाइक ये गाड़ी को हाईवे पे आप चलाओगे तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं दे कैन ईजली स्पॉट यू, क्योंकि आपको पता है छोटी गाड़ी से आप ओवरटेक करो तो वो आपको जल्दी रास्ता भी नहीं बोलते, कौन है यार, हाँ, बजाते मतलब रहो, डोंट गिव अ फक अबाउट यू। बिग बिग कार में थोड़ा सा डर लगता है लोगों को, अभी कौन जा रहा है भाई, है ना, हाँ थोड़ा सा फील आता है। आप, मैंने इससे पहले थार भी रखी हुई थी, तो बड़ी गाड़ी में, ऊंची गाड़ी में एक चीज ये होती है ना कि आपका थोड़ा सा आई कैचिंग होती है, वो एक अलग फील देती है। मुझे लगता है थार ज्यादा टॉप स्पीड में स्टेबल भी नहीं लगती है। थार तो यार मैं बहुत मतलब मैं थोड़ा गाड़ी में तेज चलाता हूँ, बट उसकी ब्रेकिंग में ऑनेस्टली कहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ, फट जाती है उसको बिना स्पीड में कंट्रोल करने में, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। वैसे मैंने भी चलाया है इस गाड़ी को, बहुत स्मूथ है, बैठा भी हूँ, मतलब बैठने का भी एक्सपीरियंस लिया है, चलाने का भी एक्सपीरियंस लिया है। भाई ये गाड़ी जो है ना 2000 CC की है, मतलब आप सोच सकते हो इनसेन, मतलब 2198 CC की है, ऑलमोस्ट 2200, तो भाई पावर तो इनसेन आपको इसमें देखने को मिलती है। 370 Nm का टॉर्क है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्क की इंजन आपको देखने को मिल जाता है, एंड लग्जीरियस तो है ही। अभी अंदर दिखाते हैं आपको, ठीक है, और बताइए आप लोग को कैसी लग रही है अंदर से, क्योंकि मुझे यार बैठने में तो मज़ेदार लगी है, एंड एक बार मैं आपको दिखाता भी हूँ। बाकी कुणाल भाई से और भी चीज़ें पूछेंगे, 5000 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और 5000 किलोमीटर में उनको कैसा फील हुआ, लॉन्ग ड्राइव भी की है उनने कि नहीं, वो भी पूछेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, वो स्टार्ट बटन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको TFT स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है, बहुत ही अच्छी अच्छी खासी है, 5 इंच मुझे लग रही है अप्रॉक्सीमेटली। स्क्रीन में आपको लिख के मैं बता दूंगा कितना अप्रॉक्सीमेटली इसका है, एंड ऑटोमेटिक गियर सिस्टम है आप देख सकते हो, तो बहुत ही सिंपल आपको डैशबोर्ड दिखेगा और बहुत ही अच्छा लग्जरियस कलर्स आपको डुअल टोन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेदर है, यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक फील आता है, तो मेरे हिसाब से यार इस गाड़ी को बहुत ही बढ़िया महिंद्रा ने बनाई है। मुझे लगता था एक टाइम था जब महिंद्रा की जो गाड़ियाँ आती थी ना, बहुत ही जैसी पिकअप ट्रक आपने देखी होगी उनकी, बुलेरो, उस टाइप की गाड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन अब इन लोग ने लग्जरी
वाली सेगमेंट को पकड़ लिया है और बहुत ही बढ़िया अब गाड़ी इन लोग बनाने लगे हैं। जब से ये देख रहे हैं ना, ये बटरफ्लाई वाला लोगो आ गया इनका, तब से इनकी गाड़ी का जो पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर चेंज हो चुका है। ट्रू, ठीक है। तो अब ये आप बताइए कि कितनी लॉन्ग आपने इसमें जर्नी की है और कितनी कंफर्टेबल रही वो? मैं लगभग 250 किलोमीटर वन स्ट्रेच चलाई थी मैंने का, एंड बिल्कुल भी उस टाइम मुझे लगता है कोई मतलब बहुत कंफर्टेबल ड्राइव थी, सीट्स बहुत अच्छी हैं, लंबा सपोर्ट इज अमेजिंग। अगर मैं इसको एस से कंपेयर करूं, एस में भी बैठे हैं आप, ऐसा तो है नहीं कि चलाई नहीं है, बैठी नहीं है। लॉन्ग टूर किया है आपने उसमें कभी? एस में लॉन्ग ट्रिप तो नहीं की, नहीं किया, मतलब लगभग कुछ कितना किलोमीटर आपने? 40-40 किलोमीटर। मैं बताता हूँ आपको, मैंने लॉन्ग में अराउंड 1000 से 1500 किलोमीटर्स किए हैं, एंड मैं कसम से बता रहा हूँ आपको, जब आप चलाओगे ना बढ़िया है, लेकिन आप जब बैठोगे ना बीच सेंटर वाली सीट में, पीछे वाली सीट में, तो आपकी मतलब बैंड बजनी है भाई। वाली गाड़ी जो थी ना उसमें बैंड बजती थी, सिर्फ आगे वाले मजे में रहते थे, वो कहते पटरा। हाँ, पटरा, एक्चुअली उसका सस्पेंशन ही ऐसा बना था, तो भाई उसमें हालत खराब हो जाती थी। एंड ये जो गाड़ी है ना भाई, ये जो है भाई एक तरीके से आपको कंफर्ट लेवल देने के लिए, एक्सयूवी में आप बैठे होंगे वही फील आपको पूरी इसमें मिल रही है। प्राइस आपको कितने की पड़ी है ऑन रोड? ये 27 लाख समथिंग, 27 लाख ऑन रोड है। और ये जो मॉडल है वो टॉप मॉडल में ही है, लेकिन इस ये जो 4x4 नहीं है, एक मॉडल और आता है 4x4, उसमें आपको दो ही चीज़ चेंज मिलेंगी, एक तो 4x4 मिल जाता है और एक डैश चार्जिंग मिल जाता है आपको। एंड उसका प्राइस कितना पड़ता है? 28 लाख, मतलब 1 लाख ज़्यादा पड़ता है। तो आप लोग बताइए वर्थ इट है कि नहीं। वैसे भाई को ज़्यादा ऑफ रोड नहीं करना है तो 4x4 की कोई ज़रूरत नहीं थी, चार्जर आप केबल से कर लेते होंगे क्या ही, मतलब वायरलेस का टाइप सी है। हाँ, टाइप सी है, अब तो फास्ट चार्ज होता है। डैश चार्जर एक्चुअली क्रेटा में था, क्रेटा में था, बट वो इतना इफेक्टिवली चार्ज नहीं करता, फास्ट चार्ज नहीं करता है। और इन लोग दे तो देते हैं वायरलेस, लेकिन भाई जो वायर वाला चार्ज करके आपको देगा ना, वो आपको वायरलेस चार्जिंग में नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल। और कुछ बताइए अपना मतलब एक्सपीरियंस जानना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको रोकूंगा, एक्चुअली जो यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक हैं ना, वो ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई ओनर लेता है तो वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये ले तो ली, कभी ऐसा भी फील आएगा अबे यार इससे अच्छा मैं वो ले लेता, अबे यार इससे अच्छा उसमें दो फीचर ज़्यादा थे, ऐसा भी कभी कभी फील आता है ना कि भाई एक टाइम बाद हम जैसे मैं कोई बाइक चला रहा हूँ, मैंने कहा यार अब यार नई लॉन्च कर दी गाड़ी, वो ले लेनी चाहिए थी, रुक जाना चाहिए था, ऐसा फील आता है ना। तो मैं यही बस बताना है आपको, हमारे दर्शकों को, कि आपको ये फील कब आया? वैसे मुझे कोई रिग्रेट ऐसा नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि ये बहुत ही कंप्लीट पैकेज है, जैसे कहते हैं होल पैकेज, ये प्राइस के हिसाब से, प्राइस, लग्जरी, प्रेजेंस, ठीक है, कैपेबिलिटी, एंड यू कैन टेक दिस कार एट एनी टेरेन, वो तो अभी हमने देखा, मस्त चल के आई। जितनी ऑफ रोडिंग मुझे करनी है ना, हाँ। जैसे हम लखनऊ में रहते हैं, हाँ। तो हमारे अगल बगल पहाड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, सही बात है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं, मेरे हिसाब से पहाड़ में मस्त चलेगी, एकदम हार्ड ऑफ रोड ना करो। हाँ, मैंने ऐसे कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, कुछ ब्लॉगर्स के देखे थे जो उन्होंने 4x2 से ही वो लद्दाख तक होकर के आए थे, आराम से। तो उन्होंने कहा था जिसके पास 4x4 भी, तो कहा था हमें यूज ही, इनफैक्ट मेरे ब्रदर इन लॉ के पास जो वेरिएंट है इसका 4x4 वाला, उन्होंने खुद नहीं यूज किया आज तक, बताओ उसका फायदा क्या है फिर? तो मेरे हिसाब से यार सिटी में चलाने के लिए आपको 4x4 की जरूरत नहीं, 1 लाख रुपए ज्यादा देके क्या ही ले लोगे भाई, 4x4 वो भी ऑफ रहेगा, और आप ऑन भी करोगे तो माइलेज और गिरने वाला है। हाँ, बट ठीक है, माइलेज कौन देखता है, स्कॉर्पियो लेने के बाद। बात तो सही है, लेकिन भाई कुछ कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अभी आप नहीं देखते होगे, लेकिन कुछ लोग बहुत अमीर भी होते हैं ना, तो कंजूसी दिखाते हैं भाई, माइलेज कम है, ये है वो है, गरीब की बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि जिसको जो पैशनेट है अबाउट मशीन, उसको पता है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, जिस तरह की रॉ पावर आपको स्कॉर्पियो में फील होती है, उसके लिए आई गेस, और बड़ी गाड़ी में कहते 8-10 से ऊपर क्या ही एवरेज देगी। सही बात है, ये तो लोग बहुत क्लेम करते हैं कि 15 देती है, 16। मैं क्या यार, मेरा तो हैवी फुट है यार गाड़ी चलाने के मामले में, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी 8-10 से, मैं क्रेटा में एवरेज नहीं निकल पाया यार, तो छोड़ो। चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ड्राइवर या जो मालिक है, वो ड्राइवर नहीं बोलूँगा, अगर आगे ड्राइवर सीट में कोई बैठता है तो स्पेस कितनी रहती है पीछे, लेग स्पेस, वो मैं आपको शो करूँगा। तो आप पहले आप बैठिए फ्रंट में, मैं आप बैठे ज़रा, मैं पूरा दिखाना चाहूँगा। इनकी हाइट अभी 6 है ना, 6 है इनकी हाइट, और 6 हाइट का बंदा कैसा बैठता है और कितनी स्पेस रहती है। बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है, आप देख सकते हो लेग रूम भी बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, एंड इवन सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो हेड रूम होता है, तो आप हेड देखिए, हेड की स्पेस आपकी जो उसका ऊपर है उससे कितना आ रहा है, बहुत अच्छा खासा। एंड अगर मैं पीछे दिखाऊँ, सामने बैठे हैं उसके बाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप देख सकते हो, बहुत ही ईजिली आप यहाँ बैठ सकते हो। मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ आपको,
तो अगर मैं यहाँ बैठ भी जाता हूँ तो भाई मैं यहाँ पे मज़े से सो लूँगा भाई, मज़े में भाई, चलो यार कहीं लंबा चल। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे एसी वेंट यहाँ पे दो आपको मिल जाते हैं, हालांकि यहाँ पे ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं है, नीचे बट सफिशेंट है जितना होना चाहिए। यहाँ पे आपका नॉब भी है, यहाँ चार्जिंग के लिए भी यूएसबी सी देखने को आपको मिलेगा। एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो लेदर फिनिश है, बहुत सॉफ्ट सा है। और ये प्लास्टिक है यहाँ पे, आपको ये भी प्लास्टिक है बट लेदर का कलर का फिनिश दिया हुआ है, ये लेदर आपको मिलेगा। एंड ये आप देख सकते हो पावर विंडो तो आजकल हर गाड़ी में आ रहा है बॉटल रखने के लिए, यहाँ पे 1 लीटर की आप बॉटल आराम से यहाँ पे रख सकते हो। बाकी ऊँची तो है ही, व्हील बेस की बात करूँ यार पुरानी वाली जो स्कॉर्पियो एस है उससे ज़्यादा लंबी है। एंड पीछे से कुछ लुक इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियो एन बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो गाड़ी यार एक नंबर है, मुझे तो भाई मैं बैठा मैंने चलाई, मैंने एक्सयूवी चलाई थी, मुझे एक्सयूवी वाला फील दे रही है, बस कुछ चीज़ें इसमें नहीं मिलती हैं आपको। बाकी क्या लगता है आपको, 360 वाला कैमरे की जरूरत तो थी नहीं जो एक्सयूवी में दिया है? नहीं मुझे 360 इतना पसंद नहीं है, मैं फोटोग्राफर भी हूँ, मुझे पता है 360 में उतना मज़ा नहीं आता है। इसमें फ्रंट एंड बैक कैमरा दिया हुआ है, प्लस सेंसर्स दिए हुए 360 इसमें, 360 सेंसर है। हाँ, सेंसर इंडेवर में आते थे हमारे, सफिशिएंट है यार, एक अच्छे राइडर या ड्राइवर को एकदम मस्त है भाई, इतना ज्यादा की जरूरत नहीं होती मुझे, मेरे हिसाब से ज्यादा सही लगते हैं कि बटन ज्यादा हो। हाँ मेरे हिसाब से ना सिर्फ बैक कैमरा होना चाहिए, बाकी और किसी की जरूरत नहीं यार, इतना तो यार गाड़ी चला ली है। इसे कुंदन में करेक्ट करूंगा, फ्रंट कैमरा जैसे एंडेवर में नहीं आता था, एंडेवर में ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत होते हैं जब आप एक एसयूवी ड्राइव करते हो, तो वो क्या करता है कवर कर लेता है, ये बात फ्रंट कैमरा बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब फ्रंट वाला कैमरा फायदेमंद होता है भाई। मैं तो इतना गाड़ी चलाता नहीं हूं, मैं तो बाइक वाला हूं, तो इसीलिए भाई उन्होंने हमको करेक्ट कर दिया है कि यहां पे क्या ना फ्रंट वाला कैमरा होना जरूरी है, ब्लाइंड स्पॉट जैसे बताया भाई ने। बाकी यार गाड़ी एक नंबर है, पैसा थोड़ा खर्च करना पड़ेगा भाई आपको अगर ज़्यादा अच्छी गाड़ी चाहिए आपको, और मेरे हिसाब से यार 27 लाख में पावर पैक चीज़ मिल रही है आपको। हाँ उसमें एक्सेसरीज वगैरह सब है। हाँ और इवन इसका बूट स्पेस भी आपको 600 लीटर्स का देखने को मिलता है, आपको दिखाते हैं ये देखिए, और बाकी दो लोग भी आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो, सामान वामान आप भर के जा सकते हो, अगर दो लोग हो ना तो भाई आपकी ट्रिप एकदम एक महीने की मस्त बनेगी। ये देखिए आप बूट स्पेस भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को यहाँ मिलता है, इवन ये फिनिशिंग आपने अलग से करवाई है। हाँ ये एक्सेसरीज का पार्ट है, एक्सेसरीज का पार्ट है, ओके बहुत ही बढ़िया। तो भाई अब क्या है आपका प्लान, अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई मैं स्कॉर्पियो वैन लूँ क्या लूँ, भाई ओनर भाई ने हमको बता दिया सारी हैवी गेट्स है ना, हैवी गेट्स भाई इसका एक फायदा भी है। हाँ हैवी गेट्स का फायदा क्या होता है ना, रूठी हुई गर्लफ्रेंड जब आपकी गाड़ी का धक्का मार के आती है तो गाड़ी को कुछ नहीं होता है, गुस्सा आता है आपको। और एक फायदा और है, जो एक शटरिंग जैसी आवाज आने लगती है वो नहीं होते हैवी गेट्स में, जो हल्के वाले होते हैं ना उसमें करके कर, सुजुकी में आपने सुजुकी में चलाया ही, आपने SX4 चलाया है ठीक है, हुंडई में भी होता है, मैंने भी सियाज चलाया है, आवाज आ जाती है। चाहे जितना उन लोग लग्जरी बना देना, अगर हल्की चीज़ें यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा साउंड आपको मिलेगी। ट्रू। और अभी इसमें बैठ गए हैं तो इतना ज़्यादा साउंड देखने को मुझे नहीं मिला। चलिए अब भाई चलाएंगे हम, थोड़ा सा आपको चलाने का भी एक्सपीरियंस साथ साथ भाई से पूछते रहेंगे। देख सकते हो यहाँ सिस्टम बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, हर चीज़ मिलेगी। आप देख सकते हो होम पे हम चले गए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, म्यूजिक अलग से, फोन से, नेविगेशन एप्लीकेशन में अलेक्सा वगैरह सब कुछ है इसमें, सब अलेक्सा वगैरह। डुअल एसी है, ओके। अगर जो हमारा को पैसेंजर है, जैसे मेरी मदर बैठती हैं तो उनको क्या होता है कि एसी उतना चिलिंग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो नॉन सी कैन कंट्रोल हर ओन एसी, बढ़िया है कि आप देख रहे हैं ठीक है। मुझे थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा चाहिए, एकदम लो पे चाहिए, एकदम मारो मनाली बना दो ठीक है। दूसरा एसी मैक्स का जो फीचर है, दिस इज वेरी कूल, आप जब धूप में गाड़ी होती है उसका जैसे इसको ऑन करोगे, हार्डली टेक्स आई गेस 120 to 180 सेकेंड्स पूरी गाड़ी प्रॉपरली कूल हो जाती है आपकी। फिर ऑटो एसी का ऑप्शन आपका रहता है, सॉरी, एंड सारे माउंट्स यहाँ पे हैं आपके। ये आपका बटन है कैमरे का, तो अगर आपको जैसे ब्लाइंड स्पॉट अपने चेक करने हैं गाड़ी ड्राइव करते वक्त, आपकी गाड़ी कहीं मार्केट में, मैनुअली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, मैनुअली आप एक पुश करो, ओके, आपको सामने से सब कुछ देख चुका है। और अच्छी चीज क्या लग रही है ना, यहाँ पे ज्यादा टच वाला जो आजकल तीन जाम आ रहा है ना, वो मेरे हिसाब से वो नहीं है, टच का तो मुझे रिलायबल नहीं है। हाँ मुझे बहुत अजीब लगता है कई बार, क्योंकि डिले भी करता है कभी कभी। अब मान लो हमको एसी ऑन करना है या कुछ काम जल्दी से है तो आप बटन दबाओगे तुरंत काम होगा यहाँ, लेकिन टच होता है भाई थोड़ा सा डिले हो रहा है या टच फंस गया है, कुछ भी हो सकता है। अरे यार हम लोग 90s जनरेशन वाले, वही तो हमें बटन पसंद, बटन पसंद दबाने और इवन और इवन यहाँ आप देख सकते हो ये जो बटन है ना बहुत ही कूल भी लग रहे हैं देखने में, डैशबोर्ड बहुत सुंदर लग रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो मुझे लगभग एक महीने बाद पता चला फीचर,
मैंने पूछा भी नहीं, थोड़ा गाड़ी काफी टाइम से चला रहे थे तो इतना ध्यान नहीं देते, और मैनुअल तो पढ़ा नहीं आ सकता, तो क्या बात, मैनुअल तो कोई नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे ये जो बटन है ऑटो कट का, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो सिग्नल्स पे गाड़ी अपने आप, जैसे स्कूटीज में तो अपने आप ऑफ हो जाती है, ठीक है, तो ये ऑफ हो जाती है, और जैसे ही आप इसको आपके पैडल पे मतलब एक्सेलेटर पे आप पैर रखोगे, ठीक है, तो अपने आप स्टार्ट हो जाती है स्मूथली एकदम, हाँ तुरंत। बट उससे क्या होता है, थोड़ी मुझे लगता है कि बैटरी कंज्यूम होती है, तो मैं इसको ये ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल। तो भाई को देख रहे हो, यहाँ पे भाई को देख रहे हो, बैटरी नहीं कंज्यूम होनी चाहिए, पेट्रोल कंज्यूम हो जाए, देख रहे हो भाई, रईसी, अरे भाई रईसी की बात नहीं है भाई, बात है कि बहुत इरिटेटिंग होता है ये। तो आप चलिए मजाक कर रहे थे, मजाक साइड से हम आते हैं यहाँ पे, बाकी आप देख सकते हो टच का रिस्पॉन्स कितना, मतलब बहुत स्मूथ है यार, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है, नेविगेशन एंड्रॉयड ऑटो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा एक टच में, देख सकते हो। और इवन यहाँ मेड इन इंडिया मैपल का ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मैप, पहले से आता है कि बाद में किया गया है? नहीं नहीं पहले से, पहले से, तो मैपल का यहाँ पे देख सकते हो, मैप भी आपको देखने को मिल जाता है। कुंदन भाई को पता था, इन्होंने खोला, मैं तो खोला भी नहीं था। तो ये मैपल एक्चुअली एक ऐप है जिसको आप अपने ऐप में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अब ये इंडिया का मैप आ चुका है, सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, हालांकि मैं इसका भाई स्पॉन्सर नहीं है। चलिए भाई अब राइडिंग का थोड़ा मजा लेते हैं, सस्पेंशन कैसे है सारी डिटेल की बात करूं थोड़ी, कौन सा, हाँ भाई जरूरी है क्योंकि भाई सब तो प्रोज बता दे रहे, अब यहाँ पे ये हो जाएगा बायस की भाई जो ओनर है वो अपनी गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं। चलिए आप बताइए कौन के बारे में इसके। देखिए पहली बात तो इससे पहले जो मेरी प्रीवियस कार थी क्रेटा, उसमें बोस के सिस्टम थे, इसमें सोनी है, बट उसका जो म्यूजिक सिस्टम था वो शायद गाड़ी छोटी थी या जो भी था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, मज़ेदार था, ठीक है, इससे मतलब 10-11% आप समझ लो, आई गेस एक्सयूवी 700 का ज़्यादा होगा इससे, अच्छा जो मुझे लगता है। ओके मैंने मतलब ये तो 700 मैंने फील किया, अच्छा है, इसका भी अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं, उतना अच्छा नहीं। चलिए आपको सुनाते हैं एक बार साउंड, तो साउंड देखिए चल रहा है, बुरा भी नहीं है, अच्छा है, बट वो ज्यादा अच्छा था। तो आप लोग ने साउंड देखा भाई, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बट भाई ने एक्सपीरियंस किया है बोस, तो भाई बता रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छा था। तो ये कौन में आता है, दूसरा कौन आप बताना चाहेंगे हमको कि नहीं है? दूसरा कौन थोड़ा सा वो डैश चार्जर मिस करता हूँ कभी कभी, ठीक है, बट ऑब्वियसली इतना पैसा खर्च किया है तो 1,00,000 और खर्च करने थे, मैंने थोड़ा सा मॉडल भी स्टडी नहीं किया था, नहीं तो मैं वही लेता 4x4 वाली लेता Z8, और 6 एयरबैग्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं सेफ्टी के मामले में बढ़िया। बाकी इसका एनकैप रेटिंग कितना है, मैंने सुना है कम है, मैंने तो देखा भी नहीं, देखा कुछ कम है, मुझे लगा 2 या 1 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। बट आपको क्या लगता है एनकैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है आपकी नजर से? भाई मैंने ना 8 साल मारुति चलाई है, हम मौत से डरते ही नहीं है। तो भाई देख रहे हो ना यहाँ पे महंगी बातचीत है, ठीक है, मौत से नहीं डरता अपन, भाई इतना नेगेटिव क्यों सोचना, क्यों सोचना, सच छोड़ो। चलो भाई थोड़ा सा हम चलाते हैं, आप रोड देख सकते हो, रोड क्या मतलब ऑफ रोड है, रोड है ही नहीं यहाँ पे, आगे फिलहाल नहीं जाएंगे हम लोग, इधर रोड की तरफ जाएंगे थोड़ा घुमा करके, इधर चलो, चलो भाई। तो आप देख सकते हो बहुत स्मूथली गाड़ी चल रही है, मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही। बाकी हमारे पीछे एक पैसेंजर भी है, अब बताइए कैसा फील लग रहा है पीछे वाला? बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है, लाइक मेरे को जो बम्प्स है ना वो फील आउट नहीं हो रहे हैं। सो अगर मैं क्लियर आउट करूं तो यहाँ पर जो बम्प्स है ना वो मेरे को फील नहीं हो रहे, इसके जो सस्पेंशन है वो मेरे को काफी सॉफ्टर साइड में फील अप हो रहे हैं, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने देखा जैसे बताया भाई ने, यहाँ पे ज्यादा कुछ भी पता नहीं चल रहा है, खड़बड़ाहट की आवाज़ भी नहीं आ रही है, एंड इवन जो इसके डैशबोर्ड से भी कोई साउंड नहीं है, डोर से भी कोई साउंड नहीं है, और इवन डीजल गाड़ी है, और डीजल गाड़ी के साथ इस इंजन में आपको नॉइज़ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो एक नंबर काम किया है महिंद्रा ने, ठीक है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा सनरूफ भी है, यहाँ पे कहते हैं कि सेगमेंट में सबसे वाइडेस्ट है, सबसे वाइडेस्ट, आई डोंट नो, एंड इवन नहीं मैं तो बस सोचता हूँ पानी ना गिरे जो वीडियो में देखे थे। लेकिन एक चीज है, ये गाड़ी बहुत ही स्पेशियस है,
चौड़ी भी है, इसका व्हील बेस भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, एंड इवन चलने में भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कंफर्टेबल है, बैठने वाले को भी और चलाने वाले को भी मज़ेदार है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी एक नंबर होने वाली है आपकी, अगर आपने प्लान किया हुआ है। फिलहाल कुणाल, लास्ट मोमेंट में आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो में, जो इसका प्लान कर रहे हैं और उनको मतलब कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, जो भी आपके नज़र से आप कहना चाहें? भाई मैं कहूँगा Z8 सेलेक्ट एक वेरियंट आया है, बहुत वैल्यू फॉर मनी बताया जा रहा है उसे, बट मैं कहूँगा लग्जरी वाला लेना। कुछ चीज़ें 8 फीचर्स जो उसके हैं ना, वो बड़े काम के लगते हैं मुझे। जैसे इतनी महंगी गाड़ी लो, पुश स्टार्ट होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, ये चीज़ मैंडेटरी होनी चाहिए गाड़ी की, इतना हुआ इतने तो ये उसमें आपको नहीं मिलता है। हाँ, उसमें नहीं मिलता है। स्पीकर्स कम मिलते हैं इसमें, आपके उसमें 4 स्पीकर मिलते हैं, इसमें तो ज़्यादा ही 6-7 मुझे दिखते हैं। या मैं सॉरी भाव मारा हूँ, गाड़ी नई नहीं है, मैं ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया, ठीक है। 5,000 किलोमीटर फिर भी चला दिया भाई ने, वो देख सकते हो, 5,000 काम है तो चलना पड़ेगा भाई, चलना तो। पीछे बैठने को भी 1 या 2 बार ही मिला अभी तक, तो भाई बता रहे थे कि ये करवा लेना वो करेंगे, ठीक है पीछे बैठेंगे तो करवा लेंगे, अभी फिलहाल पीछे नहीं बैठ रहे। बाकी सीट वेट भी बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगी, सीट्स बहुत अच्छी, कुशनिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और जो इसका मेरे को स्पेशली इसका जो टोन आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया टोन आ रहा है, बहुत इसका जो लेदर फील है और जो कलर है, ये बहुत ज्यादा मतलब सूदिंग भी है और लग्जरियस भी फील है। जैसे रेन वाइपर बहुत इसका काम का है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो हैं वो मतलब आपका ऑटो पे लगा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है जैसे पार्किंग में घुसते हो ना, तो पूरा का पूरा लाइट वाइट पूरा अपने आप जल जाती है, तो इट्स गुड, तो बढ़िया चाहिए, बढ़िया है काम। देखिए वैसे अपनी इंडियन कंपनीज हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, ठीक है, और डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं। सर्विस अभी तो अच्छी मिली है मुझे, सर्विस अच्छी है, मतलब सर्विस नेटवर्क भी अच्छा है इसका। हाँ, सर्विस नेटवर्क अच्छा है, अक्रॉस द इंडिया काफी अच्छा है सब, सब। और भैया स्कॉर्पियो की गाड़ी है, लंदन भी घूम आया बंदा हमारा, और अभी ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है किसी मतलब कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो भाई लास्ट अब यही मैं बोलूंगा कि लास्ट में भाई से इतना पूछना चाहूंगा, अगर 28 लाख मुझे खर्च करने हैं तो आप लगभग मतलब टॉप एंड 28 का है, आपने जैसे बोला लग्जरी लेना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उस हिसाब से अगर मैं 28 लाख लगाऊं तो ऐसी दो गाड़ियां बताइए जो सही है लेना, स्कॉर्पियो एंड और स्कॉर्पियो एंड एक्सप्लोरर। तो भाई दोनों स्कॉर्पियो ही बोले भाई ने, तो चलिए आप अगर प्लान कर रहे हो स्कॉर्पियो लेने का तो बेझिझक लो यार, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, स्पेशियस है, फैमिली के लिए बहुत बढ़िया, ट्रिप्स के लिए बहुत बढ़िया है, 4x4 ले लोगे तो भाई गड्ढों के लिए भी बहुत बढ़िया है। फिलहाल ये वीडियो मैंने सोचा बना दूं आप लोग के लिए ओनर की नज़र से कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, अगर आप लेना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, हाँ मैं एक चीज़ सॉरी ऐड करूंगा यहाँ पे, क्योंकि कुंदन भाई का चैनल बड़ा रॉकिंग चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ महिंद्रा वालों को एक बात और पहुँचा देना कि इतने पैसे लिए थे ऑटो वी आर डी में जो होता है ना शायद उसमें, हाँ वो दे देते हैं, क्रेटा में दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है यार भाई, तो छोटा फील कर देते हैं यार, ये गलत है। देखो होता क्या ना, हर गाड़ियों में कुछ ना कुछ भाई कौन मिलने वाले होते हैं, क्योंकि पता नहीं कंपनी क्या सोचती है नहीं देंगे। कंपनी का मुझे जानता हूँ एक चीज़ और लगती है कि एक्सयूवी में उन्होंने ज्यादा फीचर्स साइज इसलिए डाले कि शायद क्योंकि अगर इसमें सारे फीचर दे दे देंगे तो एक्सयूवी लेगा नहीं, लेगा ही नहीं, क्योंकि जो उसकी प्रेजेंस है वो अलग है, अलग है। तो भाई समझ रहे हो ना, आपको अगर गाड़ी लेनी है स्कॉर्पियो तो लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब चीजें ठीक है, कुछ चीजें तो आप अलग से लगा लो भाई, है ना, अलग से लगा लो, पैसा तो है ही ज्यादा जब स्कॉर्पियो लेने जा रहे हो, जब फड़वा रहे तो ठीक से फड़वा। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, होप करता हूँ अच्छी लगी हो वीडियो। टिल देन राइड सेफ स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए और सीट बेल्ट हमेशा लगा के ड्राइव करिए। बाय बाय।